सभापति महोदय, वित्त विधेयक पर और कर नीति पर अपने विचार रखने से पहले संदर्भ क्या है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। देश की अर्थव्यवस्था की क्या परिस्थिति है, हमारा मानना है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था कोविड से पहले ही, कोरोना से पहले ही पटरी से उतरने लगी थी। अफसोस इस बात का है कि इस बजट में या इस वित्त विधेयक में कुछ ऐसा नहीं करा गया कि अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाए। मैं क्यों कह रहा हूं कि पहले ही पटरी से उतरने लगी थी, अगर हम कोविड से पहले के 8 क्वार्टर देखें, मार्च 2018 से मार्च 2020 तक अर्थव्यवस्था की गति, बढ़ने की गति, ग्रोथ रेट हर क्वार्टर में कम होती गई और 8% से घटते घटते 3% पे आ गई। और अगर हम 7 साल की सरकार का कार्यकाल हो गया है 2014 से लेकर 2021 तक, मगर इन 7 साल में हम 6 साल देखें, कोविड का अगर साल ना भी देखें, और तुलनात्मक रूप से यूपीए के समय अर्थव्यवस्था की क्या गति थी अलग अलग पैमानों पे, और इनकी सरकार में वो कितनी और गति हुई, क्योंकि लोगों की उम्मीद थी कि और बढ़ेगी, तो देखें तो भी पिक्चर काफी क्लियर होती है। यूपीए के समय 10 साल की औसत जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रही पुरानी सीरीज से। नई सीरीज में अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए तो विशेषज्ञों का आकलन है, अर्थशास्त्रियों का, कि वो 11% नई सीरीज 2011-12 में जो नई सीरीज, और आपके 6 साल में प्री कोविड 11% 10 साल औसत, आपके समय 6.8%। ये 6 साल की अर्थव्यवस्था की आर्थिक ग्रोथ रेट है, जो उम्मीद थी कि बढ़ेगी, बढ़ने की बजाय कम हो गई। कोई भी अर्थव्यवस्था होती है, जीडीपी होती है, उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, उसकी कुर्सी के 4 पैर होते हैं। क्या 4 पैर होते हैं? कंजम्पशन, डिमांड कितनी अर्थव्यवस्था में, निवेश इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, एक्सपोर्ट कितना ग्रोथ हो रहा, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम 10 साल की यूपीए और 6 साल का आकलन करें आपकी अर्थ जो है व्यवस्था में, इन चारों जो पैर हैं कुर्सियों के किसी भी अर्थव्यवस्था के, उनमें क्या परिस्थिति बनी, तो पिक्चर और क्लियर हो जाती। निवेश की बात करें, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट जो यूपीए के समय 14% थी ग्रोथ रेट हर साल, वो घटके 2% 2014 से 2020। क्रेडिट एंड बैंक लोन, क्योंकि जब तक बैंक से क्रेडिट नहीं कोई लेगा तब तक अर्थव्यवस्था में निवेश कैसे करेगा। यूपीए के समय 13% ग्रोथ रेट थी हर साल, वो घटके 4% ग्रोथ रेट पे आ गए। ये इन्वेस्टमेंट की पिक्चर दिखाते हैं। अब आए प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ, आप ही के आंकड़े इसी बजट में प्रकाशित, प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ यानी कि डिमांड, यूपीए के समय 24% ग्रोथ रेट थी प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ में हर साल प्रति वर्ष, वो घटकर अब 9% 6 साल में कोरोना से पहले। कॉर्पोरेट सेल्स ग्रोथ रेट, ये भी एक आकलन का नजरिया है कि कितनी सेल्स हो रही है, खरीदारी हो रही है मार्केट में, उस समय 12% प्रति वर्ष ग्रोथ रेट होती थी, अब वो मात्र 3% पे आके रुक गई है। तो डिमांड भी नहीं, डिमांड के आगे आता है एक्सपोर्ट, मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी तस्वीरें मेक इन इंडिया की लगाई गई, मगर जो एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट 10 साल 2004 से 14 तक 21% प्रतिवर्ष वो ग्रोथ रेट थी एक्सपोर्ट्स में, वो अब कम होकर आज 6 साल में 2014 से 20 तक मात्र 3% पर आके ठहर गई। तो एक्सपोर्ट भी नहीं। फिर बचा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसमें भी यूपीए के तुलना में कम हुआ है, मगर जितनी ज्यादा तादाद में ये बाकी 3 पहलू अर्थव्यवस्था के लुढ़के हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को आपने फिर भी ग्रोथ रेट में तो 24% प्रतिवर्ष से 16% प्रतिवर्ष पे आ गई, मगर उतनी नहीं लुढ़की जितनी बाकी 3 पहलू लुढ़के। इनके साथ साथ अर्थव्यवस्था में स्ट्रेस्ड एनपीए, हम सब जानते हैं, अभी भी जनवरी में आरबीआई स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि सितंबर 2021 तक 13.5% एनपीएस का रेशियो हो जाएगा, सरकारी बैंकों में और भी बुरा हाल है। इसी प्रकार से स्ट्रेस कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, ये कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हमारी इस अर्थव्यवस्था में रहे, मगर हमारा मानना है ये अर्थव्यवस्था पटरी से उतरनी कब शुरू हुई, सबसे पहले नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को हिलाया, उसके बाद जिस तरीके से आनन फानन में जीएसटी लागू की गई,
उसने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, और उसके बाद कोरोना के अंदर जो आपकी मैनेजमेंट रही अर्थव्यवस्था की, उसने अर्थव्यवस्था को आज आईसीयू में पहुंचा दिया। मगर ये हमारा आकलन है, विशेषज्ञ अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये पहले से आईसीयू में थी। अभिजीत बैनर्जी नोबल पुरस्कार विजेता, उनका 2020 में मानना था कोविड से पहले, क्या कहा उन्होंने, अर्थव्यवस्था आईसीयू में। आपके स्वयं जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने क्या कहा 2020 कोरोना से पहले, क्या कहा कि ये कोई आम मंदी नहीं है, कोरोना के आने से पहले यह आम मंदी नहीं है, 30 साल में ऐसी मंदी नहीं देखी गई। रघुराम राजन, उन्होंने भी आपके समय आरबीआई संभाली है, उनका कहना है कोरोना से पहले कि अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो गई है, अत्यंत गंभीर स्थिति है अर्थव्यवस्था की। तो लोगों का मानना था पहले ही खराब थी,